मेरा नाम है स्वप्निल खताल और इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि मिलीपीड्स इंसान के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। यह है मिलीपीड्स की पूरी फौज और इस वक्त मैं अपना हाथ इनके हवाले करने वाला हूँ। देखना यह है कि क्या मैं सैकड़ों मिलीपीड्स का बाइट सह पाऊंगा या नहीं। एक, दो, तीन। जरा देखिए तो इसे ये किस तरह से मेरे हाथ पर रेंग रहे हैं। बरसात का मौसम प्रकृति की एक नायाब देन है। इससे जीव सृष्टि को जिंदगी का नया वरदान मिलता है। फिर चाहे जंगल का कोई बड़ा जानवर हो या छोटा सा कीटक, बारिश सबको पसंद है। धरती पर नई जान फूंकने वाले इसी मौसम में मैं निकला हूँ जमीन पर रेंगने वाले और अजीब से दिखने वाले एक ऑर्थ्रोपॉड की तलाश में। एक ऐसा जीव जिसका कद भले ही छोटा हो लेकिन इसके सैकड़ों पैर इसकी असली पहचान है। ये है मिलीपीड। मिलीपीड्स को ढूंढने का सबसे अच्छा इलाका वो होता है जहाँ पानी हो, ढेर सारे पेड़ पौधे हो और सबसे जरूरी यानी इंसान ना हो। ये देखिए हमारा पहला मिलीपीड। वैसे पहली नज़र में देखने पर ये एक क्रीपी क्रॉलिंग इंसेक्ट लग सकता है, एक कीटक लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि ये रेंगने वाला एक कवचधारी जानवर है जिसकी गिनती ऑर्थ्रोपॉड की श्रेणी में की जाती है। वैसे ये तो सब जानते हैं कि एक मिलीपीड इंसान का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनकी पूरी फौज हमारा क्या हाल कर सकती है। और ये जानने के लिए मुझे इनकी फौज ढूंढनी होगी और उस फौज को ढूंढने के लिए इस इलाके का अन्वेषण करना होगा। क्योंकि मिलीपीड्स झुंड में रहने वाले ऑर्थ्रोपॉड नहीं है, लिहाजा मुझे एक एक करके उन्हें इकट्ठा करना होगा। ऑलराइट, मुझे लगता है कि अब मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया हूं, क्योंकि यहां पर हर तरफ मुझे कहीं ना कहीं मिलीपीड्स की हरकतें दिखने लगी है। तो मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मैं एक घंटे के अंदर इसमें लगभग 100 मिलीपीड्स को जमा करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद अपना हाथ उनके हवाले सौंप दूंगा ताकि हम ये जान सके कि सैकड़ों मिलीपीड्स का बाइट आखिर कितना दर्दनाक साबित हो सकता है। वैसे मिलीपीड्स को कंफर्टेबल महसूस हो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी बहुत सड़ी हुई पत्तियों को रखा है और मिलीपीड्स को जमा करते वक्त वो अपना हाइड्रोजन साइनाइड मेरे हाथ पर रिलीज ना करे इसलिए मैंने प्लास्टिक का ये दस्ताना पहना हुआ है। लेकिन इस डेमोंस्ट्रेशन को अंजाम देते वक्त यकीनन मैं इस दस्ताने को उतारने के बाद ही सैकड़ों मिलीपीड्स के हवाले अपना हाथ सौंप सकता हूँ ताकि एक अच्छा कंक्लूजन दे सकूँ। तो चलिए, घड़ी का टाइमर अब सेट हो चुका है और अब वक्त आ गया है इस एपिसोड के स्टार्स यानी उन मिलीपीड्स को जमा करने का। मिलीपीड्स सड़ रहे पेड़ पौधों के अवशेष खाकर जिंदा रहते हैं और मादाएं ऐसी ही उमस भरी अंधेरी जगहों पर 10 से 400 अंडे देती है। कुछ हफ्तों बाद अंडों से लार्वा निकलते हैं और वो भी सड़ रहे पेड़ पौधों को खाकर अपना गुजारा करते हैं। ऐसे परिवेश में उनकी औसत आयु लगभग 3 साल की होती है। दुनिया में मिलीपीड्स की लगभग 7,000 प्रजातियां मौजूद हैं। भले ही सब एक दूसरे से अलग हो लेकिन एक चीज़ कईयों में समान है और वो है इनके शरीर में मौजूद हाइड्रोजन साइनाइड। अगर मैं किसी तरह से 100 मिलीपीड्स का बाइट सहन कर भी जाऊँ तब भी मैं नहीं जानता कि मिलीपीड्स का रिलीज किया साइनाइड मेरी त्वचा पर कैसे रिएक्ट करेगा। और ये चिंता जायज़ है क्योंकि दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए साइनाइड का सिर्फ नाम ही काफ़ी है। तो ये देखिए, आखिर मैंने यहाँ पर कुछ मिलीपीड्स को जमा किया है। दरअसल एक घंटे में मैंने 100 मिलीपीड्स ढूंढने का चैलेंज दिया था खुद को, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने हद से ज़्यादा मिलीपीड्स जमा कर लिए हैं। ये 100 से तो ज़्यादा ही लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है इनको देख के कि ये बेताब है मेरे हाथ के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना हाथ इनके हवाले कर दूँ, हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक मिलीपीड आखिर होता क्या है। दरअसल प्रकृति ने मिलीपीड्स को पर्यावरण को साफ सुथरा रखने और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए निर्माण किया है। जैसे जंगल में गिद्ध और लकड़बग्घों जैसे मुर्दाखोर जानवर मरे हुए जानवरों के अवशेष को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं, ठीक उसी तरह से मिलीपीड भी सड़ी हुई पत्तियों को या फिर मरे हुए पेड़ पौधों के अवशेष खा करके उस पर्यावरण को साफ रखते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाने में प्रकृति की सहायता करते हैं। इसीलिए इन्हें
ऑर्गेनिक डीकम्पोजर्स भी कहा गया है। तो अगर आपके पास बाग बगीचा है और उसमें ये मिलीपीड्स रहते हैं तो समझ लीजिए कि ये जानवर आपके लिए बहुत ही काम के साबित होने वाले हैं। वैसे हो सकता है आप लोग सोचे ये तो छोटे से रेंगने वाले क्रीपी क्रॉलिंग इंसेक्ट्स है यानी कि कीटक, तो फिर मैं इन्हें जानवर कहकर क्यों संबोधित कर रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दरअसल ये छोटे से रेंगने वाले कवचधारी जानवर ही है जिनकी गिनती ऑर्थ्रोपॉड्स की श्रेणी में आती है। चलिए मैं आपको कीटक और इन ऑर्थ्रोपॉड्स के बीच फर्क करने का एक छोटा सा और आसान सा तरीका बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसका पूरा शरीर कई छोटे छोटे सेगमेंट्स में बना है, और अगर आप एक सेगमेंट को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर दो पैर है, लेकिन कीटकों के दरअसल एक सेगमेंट पे तीन पैर होते हैं। और ये एक आसान सा तरीका है पता लगाने का कि ये एक कीटक है या ऑर्थ्रोपॉड यानी कि जानवर। ठीक है, इसे रख देता हूँ फिर से इसके घर में। भले ही मिलीपीड्स जहरीले नहीं होते लेकिन उनका एक मुंह होता है, और जिस भी जीव का मुंह होता है उनके पास काटने की क्षमता होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक मिलीपीड कितनी ज़ोर से काट सकता है और क्या उसे काटने में दिलचस्पी है या नहीं। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि सैकड़ों मिलीपीड्स अगर यहाँ पर चाहे तो आपके हाथ का या किसी भी इंसान के हाथ का क्या हश्र कर सकते हैं, और ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। ऑलराइट दोस्तों, वक्त आ गया है। ये है मिलीपीड्स की पूरी फौज, और इस वक्त मैं अपना हाथ इनके हवाले करने वाला हूँ। एक, दो, तीन। ओह, जरा देखिए तो इसे, ये किस तरह से मेरे हाथ पर रेंग रहे हैं। वैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी इंसान के स्पर्श को महसूस किया होगा, इसीलिए कुछ तो यहाँ पर विचलित लग रहा है मुझे, लेकिन कुछ तो बड़ी बहादुरी से मेरे हाथ पर चढ़ रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, आप देख सकते हैं बाकी के किस तरह से यहाँ कोने में छिपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनमें से किसी ने भी मुझे बाइट नहीं किया है। चलिए मैं कुछ उठाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ये तो बहुत ज़्यादा क्रीपी है, ज़रा इसे देखिए। एक सेकेंड, ये भले ही दिखने में बहुत ही क्रीपी लग सकते हैं लेकिन सच ये है कि मिलीपीड्स इंसान के लिए, वो बिखरने लगे, इंसान के लिए हानिकारक नहीं है। तो इस डेमोंस्ट्रेशन से ये बात तो साबित हो गई कि मिलीपीड्स को इंसान को काटने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इनके पास अपने सेल्फ डिफेंस का एक बहुत ही ज़बरदस्त हथियार होता है, और वो हथियार है गंध। जब भी इन्हें खतरा महसूस होता है या किसी शिकारी जानवर से इनकी मुठभेड़ होती है तो ये अपने शरीर से हाइड्रोजन साइनाइड को रिलीज करते हैं, और उस टॉक्सिन की गंदी बदबू किसी भी शिकारी को इनसे दूर रखने में इनकी मदद करती है। और मुझे इस बात की पूरी गारंटी है कि इस वक्त इन सैकड़ों मिलीपीड्स ने अपनी जान बचाने के लिए मेरे हाथों के ऊपर उस टॉक्सिन को रिलीज़ किया है। और सच बात बताऊँ तो मैं इन्हें सूंघना नहीं चाहता क्योंकि ये बदबू काफ़ी गंदी होती है, लेकिन इन्हें सूंघे बगैर इस डेमोंस्ट्रेशन का कंक्लूजन भी तो नहीं आ सकता। चलिए देखते हैं। वैसे हाँ, ये बदबू तो है लेकिन इंसान के लिए ये उतनी भी तेज़ नहीं है। अगर आप इनके दुश्मन की बात करें जैसे कि मॉनिटर लिजर्ड्स है या कोई चूहे है, तो जाहिर सी बात है कि ये बदबू उन दुश्मनों के लिए काफ़ी तेज़ और तीव्र होगी, इसलिए वो इनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। तो इस डेमोंस्ट्रेशन का कंक्लूजन तो यही निकलता है कि मिलीपीड्स का ना तो इंसान के लिए बाइट ख़तरनाक है और ना ही इनकी बदबू। तो अब वक्त आ गया है इन सैकड़ों मिलीपीड्स को दोबारा आज़ाद करने का उनके अपने घर में। चलिए इन्हें लेकर जाते हैं। इस डेमोंस्ट्रेशन से ये तो साबित हो गया कि ये ऑर्थ्रोपॉड इंसान के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे किसी भी जीव की सही पहचान के बिना उन्हें हाथ लगाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगली बार अगर आपका सामना ऐसे किसी भी जीव से हो जाए तो बिना उनसे छेड़खानी किए उन्हें अपने रास्ते जाने दीजिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इन जानवरों का भी इस धरती पर जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा है। खैर, अपना कीमती समय देकर ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और मैं आपसे अगली बार मिलूँगा। टिल देन, See you next time.